नमस्कार, हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। यहाँ पर सवाल है कि 16 इंच बराबर 1 मील क्या है। तो देख लीजिए, इस तरह से आपके मौजा का गांव का नक्शा बना है, तो आप जो है 16 इंच मापेंगे। ये स्केल दिखाई नहीं दे रहा है, इससे देख लेते हैं। यदि आप इस नक्शा से 16 इंच मापेंगे, यहाँ पर देख लीजिए है 16 इंच, इसको इंच मान के चलिए, ये सेंटीमीटर है। यदि आप नक्शा को 16 इंच मापेंगे, नक्शा को 16 इंच मापेंगे तो आपको ज़मीन में जो है 80 जरीब चलना पड़ेगा। ये है, यहाँ पर मानक है 16 इंच बराबर 1 मील मान करके जो है नक्शा को बनाया गया है, नक्शा बनाने वाला द्वारा बनाया गया है। इस यही चीज है 16 इंच बराबर 1 मील। वैसे जो है 32 इंच बराबर 1 मील भी देखने को कहीं कहीं मिल सकता है, लेकिन यहाँ पर 16 इंच बराबर 1 मील का मतलब यही है कि इस नक्शा को आप 16 इंच मापते हैं। यहाँ से ये देखिए, ये देखिए, यहाँ पर इस स्केल की इस रेखा से 0 से प्रारंभ करके ये 16 तक जाते हैं, यहाँ तक, ये 16 तक, तो आपका ये नक्शा जो है 16 इंच हो गया। और ज़मीन आपका यहाँ पर यदि 16 इंच है तो आप जो है 80 जरीब तक आप चलेंगे। 1 जरीब में 66 फुट होता है। चलिए देखते हैं, अब इसको विस्तार से देख लीजिए कम समय में। ये देख लीजिए, यहाँ पर ये जरीब है, यहाँ पर जरीब भी है, देख लीजिए फटाफट में देखेंगे। 1 मील, 1 मील बराबर कितना जमीन में जाएंगे, 80 जरीब, 80 जरीब, ठीक। 16 इंच नक्शा माप लिए हैं तो 80 जरीब आप जमीन को मापेंगे। और 1 जरीब, 1 जरीब बराबर 66 फुट होता है, 66 फुट, और इसी के बराबर जो है 100 कड़ी होता है। ये इस तरह का जरीब है तो जो है 100 कड़ी होगा, 66 फुट जो है 100 भाग में विभक्त रहता है। चलिए अब आगे देख लीजिए, इसके एक जरीब बराबर 20.1168 मीटर होता है, इतना, ठीक। ये देख लीजिए, और 1 कड़ी बराबर 100 कड़ी लिखा गया है ना यहाँ पर, तो 1 कड़ी बराबर पूछेंगे, लिख लीजिए 1 कड़ी, 1 कड़ी बराबर 0.66 फुट होगा, इतना फुट, और 1 कड़ी बराबर 0.201168 मीटर होगा, इतना मीटर। इस प्रकार से आप जो है आसानी से माप कर सकेंगे, इजी तरीका से। और चलिए नक्शा को और देख लीजिए, यहाँ पर नक्शा से और समझ लेते हैं। चलिए ये देखिए, ये है नक्शा, ये है नक्शा, यहाँ पर देख लीजिए 1 इंच आप मापते हैं नक्शा में, यहाँ से यहाँ तक 1 इंच हुआ मान के चलिए, तो 1 इंच बराबर कितना जरीब, तो 16 इंच, देख लीजिए और थोड़ा सा, 16 इंच, 16 इंच बराबर 80 जरीब है, 80 जरीब, तो 1 इंच बराबर 80/16 कर दीजिए, 16×5=80 होगा, बराबर 5 जरीब होगा। 1 इंच बराबर कितना, 5 जरीब होगा। इस आधार से यदि नक्शा बना है 16 इंच बराबर 1 जरीब से, तो कैसे मापेंगे देख लीजिए। यहाँ पर यदि यहाँ से यहाँ तक 1 इंच हुआ तो आप जो है 5 जरीब मापेंगे, कितना मापेंगे, 5 जरीब, लिख लीजिए 5 जरीब। 1 इंच नक्शा हुआ तो 5 जरीब आप मापेंगे। 1 इंच में जो है 20 खंड, छोटा छोटा खंड रहता है, और गुनिया 25 खंड का भी रहता है, इस तरह से गुनिया कई तरह का रहता है। तो कड़ी गुनिया में मान के चलिए
एक इंच बराबर 25 खंड है। छोटा छोटा खंड कितना है? 25 खंड है। इसको अच्छे तरह से लिख लेते हैं। 25 खंड लिख लीजिए, 25 खंड है। एक इंच बराबर कितना है? 25 खंड। तो देख लीजिए, एक इंच बराबर 5 जरीब है, तो 25 खंड बराबर 500 कड़ी होगा। कितना होगा? 500 कड़ी। एक जरीब में 100 कड़ी होता है ना, तो 25 खंड बराबर 500 कड़ी। तो एक छोटा खंड बराबर कितना मापेंगे? देख लीजिए इसको भी, एक छोटा खंड बराबर लिख लीजिए, एक छोटा छोटा खंड, यदि आपके पास गुनिया है, 25-0 गुनिया है, तो एक छोटा खंड बराबर 500/25 कर दीजिए। 25 दूनी 50 होता है, और 0 बच गया है, ए 0, यानी कि 20 कड़ी आप मापेंगे। कितना मापेंगे? 20 कड़ी। एक छोटा खंड बराबर 20 कड़ी, और एक बड़ा खंड में 5 छोटा खंड होता है। कितना होता है? 5 छोटा खंड होता है, तो 5 × 20 कर दीजिए, बराबर 100 कड़ी आप मापेंगे। कितना मापेंगे? 100 कड़ी। इस तरह से जो है आप 25-0 गुनिया से माप कर सकेंगे नक्शा को, 20-0 गुनिया से भी माप कर सकेंगे। यही चीज़ है, 16 इंच बराबर 1 मील के हिसाब से बना है, तो इस आधार से मापेंगे, और इसको जो है 20-0 गुनिया से भी माप कर सकेंगे। बहुत ही आसान है जाना। यहाँ पर माना गया है नक्शा ये है, इस नक्शा को मान करके बनाया गया है। लिख लीजिए माना गया है 16 इंच बराबर 1 मील, और इसके बराबर 80 जरीब। कितना? 80 जरीब आप माप कर सकेंगे। ठीक, 16 इंच बराबर 1 मील से हिसाब से बना है, तो 16 इंच यदि स्केल से नक्शा को मापते हैं, तो आपको जमीन को मापना पड़ेगा कितना? 80 जरीब। ठीक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।